शहर की गली गली और चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता हूँ तो मैं लोगों को मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मुझे उतनी खुशी होती है जब वो मुस्कुराते हैं, पर मुझे उससे भी ज़्यादा दुख जब होता है जब मैं गरीब बच्चों को सड़कों पर भीख मांगते हुए देखता हूँ। न उनके पास पहनने को कपड़े और ना पाँव में चप्पल, ना उन्हें शिक्षा मिल पा रही है। मैं ये सब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उनके लिए मैं क्या करूँ। मैं अपनी फैमिली को मैं अच्छी तरह वो खिला रहा हूँ, उन्हें कपड़े पहना रहा हूँ, पर उन बच्चों को कपड़े कौन पहनाएगा और उन्हें शिक्षा कौन देगा। मैं इन सब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों से भी बात की और जो मेरा मैनेजर हैं मैंने उनसे भी बात की, उनके लिए क्या करूँ जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा खाना खा सकें, वो चाहे वो एक टाइम का ही खाना खा सकें पर खा सकें। मनदीप और मनदीप जैसे कई ऐसे लड़के जब अपने दिल में इन अच्छे कामों को लेकर आते हैं और हमें बताते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। अपने लिए तो सब काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपना टाइम अपनी मेहनत देने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और जब ये बात हमने सीनियर मैनेजमेंट को बताई तो उन्होंने ये जो सारे प्रयास तैयार करे हैं, जो ये रोड मैप तैयार किया है, जो एम्बिशन बनाई हैं, हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रयास के साथ हमारी कंपनी के अलावा और भी कई लोग जुड़ेंगे। As someone said that ambition is the germ from which all growth of nobleness proceeds. Jubilant Foodworks has also an ambition to make our country clean, an ambition to educate the underprivileged children, an ambition to empower people with disabilities, and an ambition to spread happiness. We have laid out 5 clear ways of achieving this. One is on Swachhata. If you remember, we started right at the beginning of this financial year. We celebrated Swachhata Divas. Number 2 is Shiksha. We are going to various schools and actually, you know, spending time explaining to the school children that how at their age they can imbibe Swachhata, habits of Swachhata that will help them to remain disease free and create a clean and neat environment. The third important area where you can also contribute is skill development. We are actually taking a lot of employees and training them so that they can become a better employee. The fourth area is road safety. So we are actually working with many city police department to spread the awareness of road safety. And the fifth one is nutrition, and there is a lot of work being planned. We have an identified NGO who is working and providing free meal to underprivileged children in a school. You will realize that, you know, this is our individual contribution, our individual effort to make this the most loved company in the community on social contribution. Jubilant Foodworks actively supports and participates in Swachh Bharat Abhiyan, the national level campaign to promote cleanliness and sanitation. जैसे जुबिलेंट है स्वच्छता के साथ, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और देश को स्वच्छ बनाइए। Access to education has always remained a fantasy for underclass children in our country. To overcome this situation, Jubilant Foodworks has been working with different NGOs to take care of the education of such children.
हमारे माँ बाप कबाड़े का काम करते हैं और हमारे माँ बाप कहीं अच्छा सा ट्यूशन नहीं लगा सकते, इसलिए हम आशादीप फाउंडेशन में जाते हैं। पिज्जा वाले भैया हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, पहले हमें कुछ आता जाता नहीं था, अब पर हमें अच्छे से सब आने लग गया है। हमें स्कूल में जो समझ में नहीं आता है उनसे पूछते हैं, वो सही से पढ़ाते हैं हमें। अब हमें लगता है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा। मेरा नाम है अजय कॉल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, आपने शायद नाम सुना ही होगा, डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स, मैं वहां काम करता हूं। Employees of Jubilant Food Works hardly miss a chance to spend time with deprived school children. वो जब देखने के लिए आते हैं, ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, ताजमहल देखने के पहले उनको कचरा ही कचरा दिखता है, तो भाग जाते हैं कि भाई क्या है ये कोई देश है। इसीलिए यही नहीं कि मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो, हम अपनी सफाई रखें, बीमारियां ना फैलें, देश भी तो एक अच्छा साफ सुंदर दिखना चाहिए। हम सब आज शपथ लेते हैं कि हम अपनी स्वच्छता पे पूरा ध्यान रखेंगे और हम अपने घर की स्वच्छता और सफाई to empower unprivileged youth. Jubilant Foodworks is working hard with different non-government organizations to curb unemployment by providing skill development programs for quick service restaurant industry. मैं 2 साल से बहुत परेशान था क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है 2 साल से, तो आई हैव नो स्किल्स, बट मुझे कहीं से पता लगा कि जुबिलेंट फूडवर्क्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं, तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल सकती है। एंड मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं, नहीं तो बहुत प्रेशर थे, प्रेशर डालते थे मेरे पे कि जॉब नहीं मिलती, तुझे 2 साल से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है, तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड धन्यवाद करता हूँ मैं जुबिलेंट फूडवर्क्स का कि मुझे जॉब्स मिल सकती है, मेरे में स्किल्स हैं। Jubilant Foodworks believes that everyone has the right to employment and that too with equal chances. Therefore, under the program Saksham, it provides various kinds of trainings and job opportunities for people with disabilities. To become the most loved company, it is compulsory to have a sense of love, kindness and unity among its own employees. Hence, it's the responsibility of the employees to be self-motivated, committed and keen to achieve such noble goal. टीम, हम मोस्ट लव्ड कंपनी बनने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। हम यदि स्वच्छता की बात करें तो हमने रेस्टोरेंट को अंदर बाहर से साफ करते हैं, अड़ोस पड़ोस से साफ करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट हर तरीके से साफ नज़र आना चाहिए। लेकिन क्या सेम चीज़ हम अपने घर पे, अपने पड़ोस में, अपने बाकी समाज में देख रहे हैं? सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना है, साफ़ सफाई रखनी है। हमें जब बाहर निकलते हैं, हम कुछ गलत काम करते हुए देखते हैं किसी को, तो उसको बताना है, उसको अवेयर करना है। हमें रोड सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पर ही रहते हैं। 9 आवर्स की शिफ्ट में हम 6-7 आवर्स तो जो ड्राइवर्स हैं हमारे, जो SDP हैं, वो रोड पर ही रहते हैं।
बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, हेलमेट्स का यूज़ करना है, हेलमेट्स के स्टेप्स ठीक से लगाने हैं, रेड लाइट फॉलो करनी है, ज़िगज़ैग ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी। ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी रूल फॉलो करें और दूसरों को भी कराएं। हमारी कंपनी इन गरीब बच्चों के लिए और स्वच्छता के लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी हाल में ही मैंने इस स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने काम के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर गर्व है।